जो सबसे नया है दोस्तों, जो पहली बार जीरो दा काइट के अंदर लॉगिन करने के लिए जा रहा है दोस्तों, उसके लिए इस वीडियो। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों आपको काइट एप्लीकेशन इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। देखिए KITE काइट करने का दोस्तों, देखिए मेरा पास ऑलरेडी, मैं इंस्टॉल कर किया हूँ, अभी इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके पास पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड देखिए यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ दोस्तों। सबसे पहला काम होता है इसके अंदर, यहाँ पे बहुत सारा आपको वॉच लिस्ट मिलता है। वॉच लिस्ट का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नाम चेंज करना मतलब आप वॉच लिस्ट देखिए, यहाँ पे सानी लिखा है, वॉच लिस्ट के ऊपर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद यहाँ पे नाम देखिए, नाम चेंज करने का ऑप्शन आएगा। आप सोचिए आपका फेवरेट फेवरेट वाला आपका एप, मान लीजिए आप FEV लिख के सेव कर दिया, तो आपको जो फेवरेट स्टॉक लिस्ट यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपके सामने ऐड करके दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे जो सर्च बार में क्या जाके सर्च करिए, आपको जो भी स्टॉक वॉच लिस्ट में रखना है, सपोज मान लीजिए HDFC बैंक, तो ये देखिए यहाँ पे HDFC बैंक आ चुका है। आप देखिए आपको इसको टिक मार्क प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना दोस्तों। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक आ चुका है, नीचे देखिए HDFC बैंक आ चुका है दोस्तों। ये है सबसे पहला स्टेप। आप यहाँ पर से आप स्टॉक का डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे HDFC बैंक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर आप देखिए यहाँ पे आपका आज का वॉल्यूम देखने को मिल रहा, कितना वॉल्यूम चल रहा है अभी HDFC बैंक के अंदर। उसका दोस्तों अगर आपको यहाँ पर से बायर देखिए, यहाँ पे जो बिट मतलब यहाँ पे बायर का लिस्ट है, यहाँ पे ऑफर मतलब सेलर का लिस्ट है, तो यहाँ पे अभी तक का जो लो है हाई है आपके सामने आ चुके हैं। वॉल्यूम भी आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, प्रीवियस डे जो क्लोज, उसके बाद यहाँ पर आप फंडामेंटल पे चेक करके इसका बेसिक फंडामेंटल आप चेक कर पाओगे दोस्तों। देखिए इसका चार्ट देख लीजिए दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जीरो तक के अंदर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे क्लिक कर देखिए आपके सामने डिलीवरी भी दिखाएगा, मतलब कितना क्वांटिटी इस टाइम पर डिलीवरी हुआ है, मतलब इस डेट पे जहाँ पे भी हाथ रखे वहाँ पे आपको डिलीवरी देखेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीरो के अंदर जो नया ऐड हुआ है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे रेवेन्यू चेक कर लीजिए, चाहे तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रेवेन्यू चेक कर लीजिए, फाइनेंस कंडीशन चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर से बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर से आप टेक्निकल भी देख सकते हैं, टेक्निकली क्या है अभी चल रहा आप टेक्निकली यहाँ पर से देख सकते हैं। मैं आपको सब बेसिक समझाऊंगा, एडवांस नहीं दोस्तों। चलिए चला गया दोस्तों, अभी बाय करने के लिए आपको समझ, मान लीजिए आपको बाय करना है तो मैं आपको कैसे बाय करना वो भी दिखाऊंगा। दूसरा स्टॉक के अंदर कैसे सेल करना उसको प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, तो नीचे देखिए मैं कुछ भी खरीदने के लिए आपको तो पैसा चाहिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको कॉर्नर पर देखिए आपको जो यहाँ पे क्लाइंट आईडी है इस पर क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने का दोस्तों देखिए पहला फंड का ऑप्शन आ चुका है। देखिए फंड देखिए दोस्तों, फंड का अंदर मेरा अभी आपको फंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है फंड उठाने के लिए, मतलब विदड्रॉल फंड, मतलब यहाँ पर से आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे अगर आपका पैसा रहेगा तो विदड्रॉल करेंगे दोस्तों आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप ऐड फंड करोगे, पहले आप नया है तो आपको ऐड फंड में क्लिक करना पड़ेगा। ऐड फंड में क्लिक करने का सपोज मान लीजिए मेरे को 30,000 ऐड करना है, 30,000। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पे विथ बहुत सारा ऑप्शन, आप गूगल पे से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और आधार से भी कर सकते हैं। मेरे को UPI से करना था, UPI मैं सिलेक्ट किया हूँ दोस्तों। UPI सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो जो UPI है यहाँ पे सब कुछ देखेगा। देखिए मेरे पास गूगल पे भी है, फ़ोनपे भी है, मेरे को फ़ोनपे से करना था, फ़ोनपे वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड फ़ोनपे वाला ऑप्शन क्लिक करने का दोस्तों फ़ोनपे का पेज खुल चुका है दोस्तों। ऊपर आपको देखने को मिला ब्रोकिंग जीरोधा के पास जैसा जाएगा, आपको कौन सा अकाउंट से ट्रांसफर करना उस अकाउंट को सिलेक्ट करिए। देखिए दोस्तों उस अकाउंट को सिलेक्ट करिए, उस अकाउंट में अगर आप दूसरा अकाउंट सिलेक्ट करके देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आपके पास दूसरा बैंक है, अगर आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा देख लीजिए। मैं दूसरा बैंक को सिलेक्ट किया हूँ, पे नाउ किया। चलिए अब देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर आप दूसरा बैंक सिलेक्ट करोगे दोस्तों क्या होगा देखिए, देखिए फेल पेमेंट फेल हो जाएगा, मतलब आपको आपका जीरोधा के साथ जो भी बैंक लिंक है उस बैंक से आपको पैसा ऐड और ये करना पड़ेगा। देखिए मैं अभी आपके सामने फिर बैंक चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए फिर अभी आपके सामने ये कि स्टेट बैंक है, मतलब आपको स्टेट बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर UPI में जा रहा हूँ दोस्तों, सेम प्रोसेस फ़ोनपे को मैं सिलेक्ट किया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको बैंक देखिए, अभी मेरा स्टेट बैंक है, मैं सिलेक्ट कर दिया 30,000, नीचे पे ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जो भी प्रोसेस है दोस्तों UPI से पैसे ट्रांसफर करने का उस प्रोसेस करिए। देखिए दोस्तों अभी आपके सामने देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, देखिए देखिए थोड़ा सा वेट करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा फंड आ चुका है, 35,550 हो चुका है।
तो पहले आपको फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सपोज मान लीजिए आपको किसी भी स्टॉक के अंदर खरीदारी करना है, तो आप पहले स्टॉक को यहाँ पे पुट करिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक आपको सामने आ चुका है, बहुत सारा स्टॉक का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड इसके अंदर अगर आपको किसी को बाय करना है, तो क्या करना, सपोज मान लीजिए मेरे को ICICI बैंक को बाय करना है, नहीं तो SBI को बैंक बाय करना है, क्या SpiceJet को बाय करना है, किसी को अंदर इसके अंदर किसी को भी अगर बाय करना है, सपोज मान लीजिए मेरे को ICICI बैंक को बाय करना है, तो मैं ICICI बैंक पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिला बाय का, क्लिक टू बाय नहीं क्लिक टू सेल, तो मेरे को बाय करना है तो बाय पे सेलेक्ट किया। बाय पे सेलेक्ट करने के बाद आपको मेन बात आ चुका है, तो अगर आप पहले नए हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, आप रेगुलर सेलेक्ट करके रखिए, उसके बाद आपको पहले क्वांटिटी भरना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए मेरे को अगर 20 क्वांटिटी लेना है, तो मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दिया। 20 टाइप करने के बाद तो अभी मेन फंड आ चुका है लिमिटेड, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है लिमिटेड, लिमिटेड सिलेक्ट है ना, तो अभी इसमें हाथ देने के बाद मार्केट हो जाएगा। दोस्तों मार्केट मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, देखिए 1259.60 रुपया चल रहा है, जो भी मार्केट प्राइस जाएगा उस मार्केट प्राइस आप स्विफ्ट टू बाई करोगी तो मार्केट प्राइस में बाई हो जाएगा। और नीचे दोस्तों देखिए दो ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म है, इंटरडे है। दोस्तों अगर इंटरडे के लिए करना है, मतलब आज ही बाई करके आज ही सेल करना है, तो आपको इंटरडे सेल कर सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल, किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इसको रखना है, तो आपको लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए तो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लेकिन मेरे को दोस्तों ये थोड़ा सा नीचे लेना है, और थोड़ा सा नीचे आने से मेरे को लेना है, इसके लिए आज इसका लो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चलिए कि इसको काट देता हूँ। काटने के बाद दोस्तों फिर मैं आ चुका हूँ ICICI बैंक, ICICI बैंक का दोस्तों देखिए आज का लो जो 1246.65 रुपया आज का लो है दोस्तों, या अभी आज हाई के आसपास आज चला गया दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा लो के बाई कर लो पे लेना है, तो इसमें फिर बाई ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ, मेरे को सपोज मान लीजिए 20 क्वांटिटी लेना है, और लेना है दोस्तों कितना प्राइस, इसमें आपको हाथ अलग आना पड़ेगा। देखिए अभी चला पकड़ लीजिए, मेरे को लेना है 55 रुपया में, 1255 रुपया में मेरे को लेना है, सपोज मान लीजिए सिलेक्ट किया हूँ। और ये पांडे देखिए इंटरडे करना है तो इंटरडे सिलेक्ट करिए, अगर आपको डिलीवरी में लेना है मतलब स्टॉक को बाई करके रखना है, आपका कुछ दिन के लिए रखना है, कुछ सालों के लिए रखना है, तो लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करिए। सपोज मान लीजिए मैं लॉन्ग टर्म सिलेक्ट किया हूँ, अभी आपको स्विफ्ट ऑर्डर करने से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी आपका ऑर्डर मैं कर लेता हूँ आपके सामने, देखिए कर दिया, देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऑर्डर प्लेस होने से क्या होगा, ये ऑर्डर अभी आपको मतलब बाय अभी नहीं होगा। क्यों नहीं बाय होगा, देखिए मैं पोर्टफोलियो में जा रहा हूँ दोस्तों, पोर्टफोलियो में जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरे ऑर्डर के अंदर दोस्तों देखिए ओपन ऑर्डर में दिखाएगा। क्यों ओपन ऑर्डर में दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 1258.75, जब 1255 रुपया आएगा तब तो आपका शेयर बाय हो जाएगा। और अभी देखिए दोस्तों एक शेयर मैं इससे पहले भी बाय किया था, देखिए मैं बाय किया था, मैं ऑर्डर लगाया था 35 शेयर रिलायंस का 1270 रुपया में, जब 1270 आ गया था मेरा बाय हो गया था, देखिए मेरा बाय हो गया था, और मेरा यहाँ पे स्टॉक आ भी चुका है, देखिए मेरे यहाँ पे स्टॉक आ भी चुका है, अभी आपका जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है दोस्तों, अभी मैं बाय किया हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा मेरा पोजीशन में है, क्योंकि दोस्तों मैं इसको अभी यहाँ इसका पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर से सेल करना तो यहाँ पर से देखिए एग्जिट करने के बाद आपका यहाँ पर से प्राइस देने के लिए बोलेगा, देखिए एग्जिट ऑप्शन पर मैं क्लिक किया हूँ, आपको अगर मार्केट प्राइस में सेल करना तो मार्केट प्राइस दे दीजिए, इसको स्विफ्ट सेल कर दिया, नहीं तो अगर किसी क्वांटिटी किसी भी स्पेशल क्वांटिटी मतलब रेंज में सेल करना है, किसी स्पेशल प्राइस में सेल करना है, तो प्राइस को एंट्री करके स्विफ्ट सेल कर दीजिए। तो आपका अगर मार्केट में करोगे तो आपको डायरेक्ट सेल हो जाएगा, अगर आप क्वांटिटी लिमिटेड करोगे दोस्तों जब वो प्राइस जाएगा तो आप इसको इसका सेल होगा दोस्तों। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया हो चुका है कैसे बाय सेल करना है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको चार्ट चेक करना है किसी भी स्टॉक का, देखिए चार्ट अगर देखना है तो देखिए नीचे आ जाइए फ्रेंड, चार्ट के अंदर आपको बहुत तरह का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, लेकिन मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ, वो एडवांस हो जाएगा, मैं बेसिक आपको समझाने के लिए आया दोस्तों। चार्ट के अंदर आप टाइमिंग चेंज करके दोस्तों स्पेसिफिक उस कंपनी का दोस्तों मूवमेंट आप देख पाओगे दोस्तों। दोस्तों एक बात है, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात फ्रेंड, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है आपका या आपका फैमिली किसी का भी दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही ईजी वे में आप घर बैठ कर डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं।